दो भाइयों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई। इस बार उठा के खेल दिया है, बाहुबली शॉट, बाहुबली बल्लेबाज के बल्ले से 6 रन। दरम्यान या ठिकाणी जांभूळपाड गावातील समाजसेवक सन्माननीय बालरामजी जोशी यांचे, इथे मात्र खांडवलचे समाजसेवक आहेत, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम, सुस्वागतम। तीसरा सिक्सर अजय पारदी के बल्ले से निकलता हुआ, 26 पर पहुंच चुके हैं अजय पारदी और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका है, 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त टोटल श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाड़ा टीम द्वारा। केवल दूसरा ओवर यदि हम निकाल दें तो अन्य गेंदबाजों ने निराश किया है। अजय पारदी के बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो बहुत दूर चली जाती है और वैसे भी छक्कों में ज्यादा रन बनाना पसंद करते हैं अजय पारदी। हालांकि इस पारी में सिंगल डबल्स पर भी उन्होंने ध्यान दिया और कुछ रन दौड़कर भी बनाए हैं, 2 सिंगल्स और 3 डबल्स लिए उन्होंने, उसके अलावा 3 सिक्सर्स। ज्यादा दौड़ना वैसे पसंद नहीं करते हैं। स्लिप पॉइंट पर अब एक खिलाड़ी लाया गया है, देखना इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं बल्लेबाज पर। ओहो, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, एक और खूबसूरत सिक्सर। बल्ला चला रहे हैं या हथौड़ा चला रहे हैं, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अजय पारदी। खड़े खड़े बड़े बड़े शॉट्स आसानी के साथ खेल लेते हैं, कितनी सहजता के साथ ये लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेला है उन्होंने। फील्डर देखते ही रह गए, कोई मौका नहीं था लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास। लगातार दूसरा सिक्सर और लगातार तीसरा छक्का यदि लगाते हैं तो गिरिधर बजागे की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज, 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा, इनामत बढ़ाए जा रहे हैं। स्कोर देखते ही देखते 58 पर पहुंच चुका है, मंगेश गहरे दबाव में, अभी तक 3 छक्के लगे उनके ओवर में, एक विजय पारदी के बैट से और एक अजय पारदी के बल्ले से, दोनों भी भाई टूट पड़े इस समय गेंदबाजी पर। यह भी जा रही है इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक और तूफानी शॉट, एक और सिक्सर, छक्कों की हैट्रिक। मंगेश को तो समझ में नहीं आ रहा है कि गेंदबाजी की जाए तो कहां पर की जाए, गेंद को कहां पर रखा जाए। एक अच्छी गेंद की थी विजय पारदी को, उन्होंने यॉर्कर लेंथ गेंद डाली थी लेकिन उसके बाद उनके यॉर्कर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेंथ बॉल्स कर रहे हैं, ओवर पिच गेंदबाजी हो रही है जिसका फायदा उठाते हुए अजय पारदी। आखिरी गेंद, फुल टॉस, इस बार फ्लैट सिक्स, लगातार 4th छक्का और श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाड़ा टीम की पारी इसके साथ ही खत्म होती हुई। कुल मिलाकर 31 रन आखिरी ओवर में बनाए दोनों भी बल्लेबाजों ने, 70 रन बनाए हैं जांभूळपाड़ा टीम ने और 71 रनों की बड़ी चुनौती नाना स्पोर्ट्स सोर टीम के सामने। ये तो बहुत ही कमजोर गेंद थी, आसानी के साथ घुमा दिया वहां पर अजय पारदी ने और अजय पारदी ने कुल मिलाकर बनाए अपनी टीम के लिए 44 रन, 44 रनों की नाबाद पारी, अद्भुत पारी खेली है और विशाल स्कोर खड़ा किया है जांभूळपाड़ा टीम ने। तो 71 रनों का टारगेट है। अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा स्वर्गीय बंटी पांडुरंग देसले टॉस बॉक्स में।